एजुकेशन सँग सम्बन्धित भिडियो हेर्न सब्स्क्राइब गर्नुहोस् बिबी रेग्मीलाई र साथै नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। इफ द इक्वेसन दिस हैज इक्वल रूट कैलकुलेट इक्वल रूट को कंडीशन सबैले थाहा छ b² - 4ac = 0 कंपेयरिंग गर इक्वेसन ax² + bx + c abc पहिलो आयो b² - 4ac = 0 गर्ने त्यहाँबाट के को भ्यालु निकाल्नु बुझ्यो बुझ्यो अब यसलाई हामीले कसरी सल्व गर्ने त भन्छु यो इक्वेसनलाई ax² + bx + c सँग कम्पेयर गर्ने a को भ्यालु आयो 1 b को भ्यालु आयो 2 ब्रैकेट k + 2 c को भ्यालु आयो 9 k हैन अनि लेनी द इक्वेसन ह्याज इक्वल रूट सो इक्वल रूट अनि कन्डिसन के हो b² - 4ac = 0 सो भ्यालु राख्दै दि बी को ए को सी को हैन अनि इक्वल टु 0 गर्दि अनि त्यहाँ के पनि कहीं हुन्छ त्यहाँ कहाँ छ बी बार र सी मा के छ हैन अनि त्यहाँ हामी सिम्पली के गर्दै के हो यसलाई सर्टकट मा गर्दिन्छ है यसको सर्टकट मा गर्दिन्छ बी पहिले ए1 ए को भ्यालु आयो 1 बी को भ्यालु आयो 2 ब्रैकेट के प्लस 2 सी को भ्यालु आयो 9 के इक्वल रूट छ भनेपछि के हुन्छ हाम्रो b² - 4ac = 0 b को भ्यालु 2 ब्रैकेट k + 2 ब्रैकेट k + 2 b² - 4 a भनेको भयो ब्रैकेट k + 2 यो भनेको कति भयो 4 k² + 4k + 4 - 36 k अब यहाँ 4 कमन लिदिन k² + 4k + 4 - 9k इक्वल टू 0 रेसिको दिया है 4 उड़ियो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 ये वाले को a स्क्वायर माइनस 4k माइनस k प्लस 4 इक्वल टू 0 k k माइनस 4 और k माइनस 4 k माइनस 4 इक्वल टू 0 देयरफॉर k इक्वल टू 1 और 4 नहीं क्यों को वैल्यू आया यो पहिला त अल्फा र बीटा यो यसको रुट हो इक्वेसनको हैन हामीलाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायरको भ्यालु निकाल्नु सिम्पली पहिला के गरिन्छ नि है पहिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु माइनस डी बाई ए गरेर भ्यालु निकाल्ने सजिलो आयो अनि अल्फा बीटा भनेको सी बाई ए गरेर भ्यालु निकाल्ने सजिलो आयो अनि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भनेको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु राख्दियो अल्फा बीटा को भ्यालु राख्दियो आन्सर आयो हैन भनेपछि यो आयो यो सर्टकट मा गर्दिन अल्फा प्लस बीटा भनेको माइनस b / a माइनस d b भनेको माइनस 6 a भनेको 1 अल्फा बीटा भनेको 6 आयो र अल्फा बीटा भनेको के हो c / a c को भ्यालु 6 यो पनि 6 therefore alpha square plus beta square minus 2 alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta what is 6 square minus 2 into 6 36 minus 2 is equal to 24 which is the square right ye jo humne question evada kare the let alpha and beta be the root of the equation x square plus bx plus q is equal to 0 then find the root of the equation whose root are alpha into beta to the power minus 1 and alpha to the power minus 1 into beta ko question gar diye maam acha acha nahi hai na ab hamare pachi alpha beta to the power minus 1 and alpha power minus 1 into beta to ye jo ke thyo required root ko ke thyo ke required equation ko root saru diye hai na ani yaha ke cha bhai हमने के निकाल लियो द इक्वेशन टोटल इक्वेशन निकाल लियो जिसको हुज रूट आर ट्वाइस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² + 8x - 5 = 0 भने सी ध्यान दिन है यसमा के गर्ने हो भने पहिला यसको रूट्स लाई के मान्ने अल्फा र बीटा बुझ्यो यसको रूट्स लाई के मान्ने यो इक्वेसनको रूट्स लाई अल्फा र बीटा देन सम अफ रूट्स निकाल्छौ अल्फा प्लस बीटा निकाल्छौ अनि प्रोडक्ट अफ रूट्स निकाल्छौ निकाल्छौ हैन त्यो कार्य छैन त्यो गर्छ तर यो ट्वाइस द रूट्स भनेको के हो बुझे छौ ओ यही हो त यहाँ के हो भन्दाखेरि द रिक्वायर्ड रूट्स
वर्ड इक्वेशंस को रूट्स और के हो बता है यो यहां दिए को यो इक्वेशंस को रूट और को ट्वाइस सा माने जी यो इक्वेशन को रूट्स और के हो जो यो इक्वेशन को रूट्स और के हो अल्फा रा बीटा हो रे और जी रिक्वायर्ड इक्वेशन को रूट्स के हुन्छ 2 अल्फा रा 2 बीटा सा यो और सबै त्यो बुझस्तै है माने जी यो यो इक्वेशन को रूट्स त अल्फा रा बीटा मान्ने अल्फा प्लस बीटा निकाल्ने अनि अल्फा बीटा निकाल्ने अनि रिक्वायर्ड इक्वेशन को रूट्स हुन्छ नि त्यो के हुन्छ 2 अल्फा र 2 बीटा अनि त्यो इक्वेशन को हामीले के गर्ने सम अफ रूट्स निकाल्ने अनि प्रोडक्ट अफ रूट्स निकाल्ने अनि डायरेक्ट गर्ने एन्सर है अनि यार ट्वाइस हुन्छ नमाएर लेट अल्फा एन्ड बीटा इन्टु 2 बीटा भने के हुन्छ 4 अफ बीटा भने गिवन तर बी द रूट्स of the equation 4x square plus 8x minus 5 is equal to 0. Right? So alpha and beta with the roots of the equation you want, right? So sum of roots alpha plus beta minus b by a माइनस टू आए अनि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस थर्ड ऑफ रूट्स माने को अल्फा बीटा माने को क्या सी बाय ए माने को माइनस फाइव बाय अब अगर इस पच्ची हमने सिंस रूट ऑफ द रिक्वायर्ड equation are twice the roots of alpha and beta, so required roots are required roots. So root is there. So roots of the required equation. Root of the required equation. Two alpha and two beta. Hey, root of the required equation are two alpha and two beta. Two beta, okay. अब तीन आर रहने के कॉन्फ्लिक्ट होना पड़ रहे अब अल्फा प्लस बीटा है ना अब तीन अब की इसलिए सोचा नहीं सकते तो सा हमरे इक्वेशन माने को x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 है है ना रिक्वायर्ड इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा तर अल्फा बीटा को यहाँ काम छैन हाम्रो काम छ अब यहाँ 2 अल्फा र 2 बीटा भनेपछि तिमीले यो 2 अल्फा र 2 बीटा लाई तिमीले बरु यसरी मान्न पाउँछौ अल्फा 1 प्लस बीटा 1 x प्लस अल्फा 1 बीटा 1 इक्वल टु 0 वेयर अल्फा 1 इज इक्वल टु 2 अल्फा बीटा 1 इज इक्वल टु 2 बीटा यसरी लेखे पनि हुन्छ है सुन्नु है सो सम अफ द रूट्स of required equation and the required equation ko sum of roots is equal to 2 alpha plus 2 beta 2 common aaya alpha plus beta bhaneko kati ho minus 2 bhaneko kati aaya minus 4 alpha plus bhaneko ab yes pachi product of roots product of roots of required equation is equal to minus 2 alpha into 2 beta bhaneko 4 alpha beta bhane si 4 into alpha beta bhaneko minus 5 by 4 4 katiyo minus 5 bujhe chha haina hence the required equation the x required equation having root 2 alpha and 2 beta is x square minus sum of roots into x plus product of root is equal to 0
sum of roots minus 4 sir into x plus product of root value minus 5. So x square plus 4x minus 5 is equal to 0, which is the required equation. Which is the option? D.